कितने महीने में कह देना इसको आप? डॉग फूड भी देते हैं। अच्छा ये बताइएगा इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है? आज की वैक्सीनेशन कंप्लीट है। अच्छा ये बताएं कि इसके पेरेंट्स के बाद 7 साल के खाने पीने में इनको क्या दिया जाता है? ये चिकन इसकी ऑफर दे तो कैसा रहेगा 25 की या 20 की? खाने पीने में क्या दे रहे हैं इनको? ये डॉग फूड खाते हैं। डॉग फूड खाते हैं, कितने टाइम के हो जाएगा? होते हैं पर पेटागिरी के अलग से पैसे हो लीजिए मेरे को बोलो आपसे। आपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ताकि इसका 9,000 रुपये डिमांड है। तकरीबन है ये 1.5 से 2 साल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ेब जमशेद। आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के बाबर के नाम से देखने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल के कह रहे हैं सदाब और रिस्पेक्ट। व्यूअर्स आप लोग को लेकर आए हैं सदर सेंटर डॉग मार्केट में, यहाँ पर इंशाल्लाह आप लोग को अपडेट करेंगे। अपडेट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि कराची में अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया है। तो रात को जो टेम्परेचर था तकरीबन 8 तक टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी रास्ते में आते हुए भी काफ़ी ठंड लगी है। कराची का टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा हो गया है, देख सकते हैं आप लोग के मैं जैकेट वैकेट पहन के खड़ा हूँ। और इस वक्त देख सकते हैं कि ठंड की वजह से मार्केट कितनी ज़्यादा कम लगी है। यहाँ पर आप लोग को एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि डॉग सेलर्स भी बहुत कम आए, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज हुआ है बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो उन्होंने निकलने की घर से निकलने की हिम्मत नहीं करी। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में हमें कौन कौन से डॉग मिलते हैं, उनके क्या प्राइस है, प्राइस आपके साथ शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? ये लैब्राडोर है। लैब्राडोर है, प्योर है क्रॉस है? ये नहीं प्योर है। ठीक है जी, ये बताएं इसकी डिमांड क्या है? 30,000 रुपये बोल रहे हैं सर इसके। 30,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा नॉन पेडिग्री है? जी नॉन है। ठीक है, तो ये बताएं कि अभी इसकी उम्र कितनी है? ये तकरीबन होगा 9 महीने तक का होगा। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि खाने पीने में क्या देना है इसको आप? ये डॉग फूड भी देते हैं, चिकन भी देते हैं। ठीक है। बिस्किट खाता है, जो भी दे दो, घर का रोटी वगैरह कुछ भी। ये बताएं कि अगर वो खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? ये 25 तक में दे दूंगा फाइनल। बिल्कुल 25 तक में देंगे। वैक्सीनेशन कम्प्लीट है इसकी? जी बिल्कुल है, वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद है। जी जी। ठीक है जी, आपने नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? आबिद नाम है मेरा, 03132471044 नंबर। जनाब बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? आज मैं वाइट हस्की लाया हूँ और लैब्राडोर लाया हूँ शॉर्ट टेल में। अच्छा वाइट हस्की लेकर आए और लैब्राडोर लेकर आए। सबसे पहले वाइट हस्की के बारे में बताएं व्यूअर्स को। भाई ये वाइट हस्की है, बिल्कुल ठीक है, ब्लू आइज में प्योर है और कन्फर्म स्टड मेल है। इसकी उम्र है 8 महीने की है तकरीबन। अच्छा ये बताएं पेडिग्री है नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री। ठीक है, इसके पेरेंट्स के बारे में बताएं, पेरेंट्स के पेरेंट्स जो थे वो भी नॉन पेडिग्री थे। क्यों मैं आपको झूठ बोलूं कि इसके माँ बाप पेडागिरी थे, लोग कहते हैं, पर पेडागिरी नहीं थे, नॉन पेडागिरी थे। अच्छा जिसके पेरेंट्स भी नॉन पेडागिरी थे। ठीक है। अच्छा इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी मैं 30,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ भाई। 30,000? जी। ठीक है, अभी इसकी एज कितनी है? इसकी एज है 8 महीने का ही है। ठीक है, और मेल है ये? मेल है। खाने पीने में क्या कह देते हैं? खाने पीने में इसको वही नॉर्मल इसको देता हूँ, बॉयल चिकन हो गया, बॉयल चावल हो गया, यही मिक्स करके। ठीक है, खिलाते कितनी दफ़ा आप इसको? दिन में एक दफ़ा। ठीक है, और वॉकिंग कितनी दफ़ा करवाते हैं? वॉकिंग भी एक दफ़ा। अच्छा ये बताइएगा इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है? हाँ इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है भाई यार, उसके बाद कार्ड पड़ा हुआ। इसकी भी लगवा दी? इसकी भी लगी हुई है, इसको तमाम लगे हैं। अभी जो व्यूअर लेगा कस्टमर तो वो 2 महीने बाद अपने खुद इसके जाती करवाएगा, या वो चाहे तो अगले महीने करवा ले या हफ्ते में करवा ले, जब भी, तो वो अच्छा रहता है, खुद अपने हाथ से करवा ले बंदा वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा वैक्सीनेशन कार्ड नहीं आप शो नहीं करा सकते? नहीं भाई के पास है मेरा, वो आएगा उसके पास, लेकिन वैक्सीनेशन कार्ड है। ठीक है, इसकी फाइनल डिमांड बता दें मुझे? कर लेंगे आपके व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, 30,000 बोले आप, इसमें कमी पेशी कर लेंगे। ठीक है, आप लैब्राडोर पे आए थे, लैब्राडोर के बारे में बताएं। लैब्राडोर है भाई? ठीक है जी जनाब, ये लैब्राडोर है। हाँ ये असल में पिंक पेटागिरी कहलाता है। इसकी नोज़ देखें आप, आइज़ वगैरह देखें, और उस बच्चे की लुक देखें। अच्छा पिंक पेटागिरी है, शॉर्ट टेल में हेवी बोन का बच्चा है ये। इसकी क्या डिमांड है? इसकी डिमांड में सर 35 मांग रहा हूँ। 35,000 मांग रहे हैं पिंक पेटागिरी है। ठीक है, और बाबा पेटागिरी है, इसके पेरेंट्स भी पेटागिरी है। अगर कोई कस्टमर चाहेगा तो ये पेटागिरी करवा लेंगे, उसके अलग चार्जेस होंगे, पेटागिरी हो जाएगा 12। अच्छा ये बताइएगा अभी इसकी उम्र कितनी है? इस बच्चे की उम्र ये 3 महीने का है। ठीक है, पार्वो की वैक्सीन लगवा दी? पार्वो की लगाई हुई है इसको। पार्वो की और डिवॉर्मिंग? डिवॉर्मिंग नहीं करवाई। डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है। ठीक है, खाने पीने में क्या देते हैं इसको? खाने पीने में इसको वही बॉयल चिकन हो गया, बॉयल राइस, बॉयल मीट। अच्छा मेल है या फीमेल है? ये मेल है।
मेल है यार, ठीक है। इसमें क्या कमी पेशी होगी मजीद? जितना होगा आपके कस्टमर के लिए कर लेंगे। ठीक है, चले अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा मोहम्मद अहमद है, कॉन्टैक्ट नंबर है 03190983929। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, कौन से पपीज़ लेकर आए? ये लैब्राडोर के पपीज़ हैं। लैब्राडोर के पपीज़ हैं, प्योर है क्रॉस हैं? जी प्योर ही हैं। प्योर हैं, अच्छा, क्या डिमांड करें इनके आप? चॉकलेट वाले के 35 कह रहा हूँ और इसके 25 कह रहा हूँ। ठीक है, इनके पेरेंट्स के बारे में बताएं, इनके पेरेंट्स कैसे थे? इनके पेरेंट्स नॉन पेडिग्री थे, मेल ब्लैक कलर में था और फीमेल फॉन कलर में। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इनके खाने पीने में क्या रूटीन है अभी? खाने पीने में चिकन चावल खा रहे हैं और सेरेलैक्स खा रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम खिलाते हैं इनको? इनको 3 टाइम खिलाते हैं। ठीक है, पार्वो की वैक्सीन लगी हुई है? पार्वो की वैक्सीन नहीं लगी हुई, लेकिन डिवॉर्मिंग हुई हुई है इनकी। डिवॉर्मिंग हुई है, पार्वो की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। जी ठीक है, बताएं कि फाइनल डिमांड क्या हो जाएगी? फाइनल का अगर कोई आपका व्यूवर्स आएगा तो कमी पेशी कर देंगे। ठीक है, इसमें बताएं मेल फीमेल कौन सा? मेल फीमेल नहीं है, दोनों फीमेल है। दोनों फीमेल है जी। व्यूवर्स आएंगे, कमी पेशी करेंगे आप? जी। एक दफ़ा फिर से डिमांड बता देगा? चॉकलेट वाले की 35 और ये फोन वाले की 25। चलिए ठीक है, नाम बता दें अपना, कॉन्टैक्ट नंबर। नाम मेरा आशिर, कॉन्टैक्ट नंबर 03432368747। अच्छा ये बता दें मुझे लास्ट में, क्या है, घर की ब्रीड है या कहीं से खरीद के ला रहे हैं? घर की ब्रीड है, मेल फीमेल मैं दिखा के सेल करूँगा। अच्छा मेल फीमेल दिखा के सेल कर रहे हैं, घर की ब्रीड है तो ला के सेल कर रहे हैं आप? जी ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा मुझे कौन सा डॉग लेकर आए मार्केट में? पिटबॉल लेके आए। पिटबॉल? अमेरिकन पिटबॉल। किधर लेके? अमेरिकन पिटबॉल है जी। जी ये बताएं प्योर है क्रॉस है? प्योर है ये, आप देखें, मैंने 18 दिन का बच्चा लेके मैंने पाला घर पे। अच्छा 18 दिन का बच्चा लेके आपने पाला? हाँ घर पे पाला। अच्छा तो ये बताएं, ये पेडिग्री डॉग है नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इसके पेरेंट्स के बारे में बताएं, पेडिग्री तो नॉन पेडिग्री थे पेरेंट्स? नहीं नॉन, वो भी नॉन पेडिग्री था। ठीक है, ये बताएं इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 80,000 रुपये। 80,000 रुपये जी। ठीक है, ये बताएं खाने पीने में क्या रूटीन है इसका? घर का खाना इसको हम लोग जो है ना देते हैं 2 टाइम। घर के खाने में मिसाल के तौर पे क्या क्या चीज़ें शौक से खाता है? रोटी और मुर्गी का सालन। अच्छा, वो इसमें मिला के तो उसको 2 टाइम जो है ना देते हैं। ठीक है, रोटी और मुर्गी का सालन 2 टाइम इसको मिला के देते हैं। ठीक है, और वॉकिंग कितनी दफ़ा करवाते हैं इसको? एक दफ़ा दिन में वॉक करवाते हैं। ठीक है, घर का इसके अलावा ये बताएं, ट्रेनिंग में आपने कुछ सिखाया इसको? ट्रेनिंग सिर्फ ये घर में रहता है खुला, और इसको हमने पटा नहीं डाला कभी भी जो है ना, घर पे इसको पटा नहीं डाला, खुला रहता है, खुला फैमिली रहता के साथ, फैमिली के साथ रहता, फैमिली के साथ रखा जा सकता है। ये मेरी बेटियों ने जो है ना इसको पाला, और मेरी बेगम ने, और मैंने सिर्फ उनको ला के दिया था, क्योंकि मैं जो है ना करता हूँ ड्यूटी, तो इसकी वजह से मैंने घर पे इसको रखा था। सेल करने की वजह क्या? वजह ये बस ज़्यादा हैवी हो गया, बच्चों से अभी पकड़ा नहीं है, जा मतलब संभाला नहीं जा रहा, संभाला नहीं जा रहा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ ये हाँ ठीक है। अच्छा जी ये बताएं कि हमारे व्यूवर्स को फाइनल कितने तक में देंगे आप? कोई 2,000 रुपये दे देंगे कम, या 5,000 रुपये का कम दे देंगे फाइनल जो है ना। 2,000 या 5,000 रुपये कम कर देंगे, 70,000 रुपये का फाइनल दे देंगे। 70,000 का फाइनल देंगे जी। ठीक है, चलिए अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट। मेरा नाम है इंद्रयास, नागन पे हमारी रहश है, तो नंबर मेरा है 03401 4। नंबर का कार्ड वगैरह दिखा दें, बता दें। हाँ ये मेरे पास नंबर जो है ना लिखा हुआ है इसके, ये नंबर ले, वो मेरे बेटे का नंबर, ये है मेरे दोनों नंबर। अच्छा ये आपके दोनों नंबर हैं? हाँ। अच्छा वैसे आपको याद नहीं है तो ये नंबर आपके लिखे हुए? हाँ ये लिखे हुए, और ये वो मेरे बेटे का नंबर है। इधर आ मैथियो, इधर ये नंबर भी। अच्छा लास्ट में एक सवाल लगे तो बता दें, वैक्सीनेशन इसकी कंप्लीट है? हाँ वो दिखाओ यार, इसकी बुक दिखाओ, वैक्सीनेशन कार्ड दिखा देंगे। हाँ, वैक्सीनेशन बुक इसकी दिखाओ। और एक ये भी नंबर है, ये मेरे बेटे का नंबर है, ये है जी इसकी बुक। जी जनाब, तो ये इसकी वैक्सीनेशन कार्ड है, वैक्सीनेशन कंप्लीट है, रेबिस वगैरह की तमाम? नहीं ये हमने 2 लगवाई हुई है, ये आप देख लो जो कुछ है यही है। ठीक है जी, 18 दिन का मैंने बच्चा लेकर पाला था, ये इसका वो है डेट, ये वो सब कुछ कंप्लीट नहीं है मतलब। चलें बहुत शुक्रिया जनाब, जजाकअल्लाह। तो व्यूअर्स यहाँ पे मार्केट में आज हमें कुछ गली के डॉग्स भी नज़र आ रहे हैं, देखते हैं अब ये क्या बता के बेचते हैं, आइए मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। जी ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आएंगे? ये बुलटेर है। बुलटेर है ये? अच्छा प्योर है क्रॉस है ये? प्योर है। प्योर है ये?
अच्छा, ये मुझे गली का डॉग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है गली से पकड़ा हुआ। हाँ गली से पकड़ा हुआ। हाँ तो क्या गुलटेर कह के बेच रहे हैं आप इसको? जी। क्यों? मैंने लाया गांव से, लाया इधर का नहीं है ये। अच्छा, इधर की गली का? गांव से लाया हूं मैं। गांव की गली का कुत्ता है? मेरा घर का कुत्ता है। घर का डॉग है? कुत्ती का। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या मांग रहे हैं इसका? 8,000। 8,000 मांग रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी है इसकी? इसका उम्र 1 महीना 8 दिन। 1 महीना 8 दिन। अच्छा, अभी तो ये गुलटेर है, और बड़ा होके क्या बनेगा ये? ये बुलटेर बनेगा, बड़ा होके गुलटेर ही बनेगा। अच्छा, तो खाने पीने में क्या देते हैं इसको आप? इसको सुबह दूध देता हूँ, रात को हलवा पका के देता हूँ। अच्छा। और रोजरी उबाल के देता हूँ। ठीक है। अच्छा, वैक्सीन करवाई है आपने इसको? इंजेक्शन लगवाए टीके? 1 महीना तो हुआ, हफ्ता तो हुआ इसको मैंने लाया है गाँव से। अभी तो आप कह रहे हैं कि घर का है, फिर आप कह रहे हैं तो गाँव से लाया ना, उसके बाद आप लेकर आए, तीन चार तरह की बातें हो रही हैं। मैंने अभी ये गांव से लेके आया है, 1 हफ्ता हो गया है, समझ में आया ना? अच्छा। 1 हफ्ता हुआ मैं गांव से लाया हूँ इसको। चलें, नाम बता दें अपना। बनारस गुल। चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आसना, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? यार ये जर्मन है, हस्की से क्रॉस में। अच्छा, जर्मन शेफर्ड है, हस्की से क्रॉस है? हस्की से क्रॉस। अच्छा, तो ये यानी क्रॉस ब्रीड है? क्रॉस ब्रीड है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसके आप? यार इसकी फाइनल 25 छोड़ देंगे, इसको 25 से 20 में छोड़ देंगे। 25 से 20 में छोड़ देंगे जी। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 8 महीने का है। 8 महीने का है। खाने पीने में क्या रूटीन है इसका? खाने पीने में सुबह जो है इसको बॉयल्ड चिकन देते हैं, रात को बॉयल्ड राइस देते हैं। अच्छा, और ये बताएं कि वैक्सीनेशन आपने करवाई है इसकी? वैक्सीनेशन कम्प्लीट है इसकी। रैबिस की लगी हुई है? मैंने कहा रैबिस की वैक्सीन भी लगी हुई है। ठीक है, ये बताएं कि हमारा कोई व्यूअर अगर खरीदना चाहेगा, फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल इसको 20,000 में छोड़ देंगे। 20,000 में छोड़ देंगे। अगर आपके चैनल के हवाले से आएगा तो और 1,000-1,500 निगोशिएट कर देंगे उसका। इसके अलावा ये बताएं, फैमिली डॉग है ना? फैमिली डॉग है, घर में रहा, अग्रेसिव नहीं है। आपके सामने आप चेक करें, हाथ लगा के देखें। ठीक है जनाब, चले नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? नाम अरहम है, 03092116171 कॉन्टैक्ट नंबर है। चले जनाब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ये अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? ये पग है। पग है, प्योर है, क्रॉस है? ये प्योर पग है। प्योर है ये? हाँ। पेडिग्री है? नहीं, पेडिग्री नहीं है। पेडिग्री नहीं है लेकिन प्योर है? प्योर। अच्छा, क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके 35,000 रुपये। 35,000 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी है इसकी? ये भी 7 महीने की बच्ची है। 7 महीने की है। खाने पीने में क्या रूटीन है? वही नॉर्मल राइस और कीमा दे देते हैं सर, राइस कीमा। और पार्वो की वैक्सीन लगी हुई है इसको? वैक्सीन लगी है। वैक्सीन कार्ड है आपके पास? कार्ड हम साथ नहीं लाते, जब किसी का डीलिंग होती है, घर नज़दीक है तो दे देते हैं उठा के। अच्छा, बीमार तो नहीं है ना? नहीं, बीमार उमार नहीं है, बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे। नहीं नहीं, असल में बाहर आई है ना, हमारा तो गेस्ट बने हुए ना पैनल, वो 3rd फ्लोर पे, हमारे जानवर नीचे नहीं आते, तो ये बाहर आई हुई ना, सब माहौल देख रही है, इसलिए एक जगह बैठी हुई है अभी। ठीक है, यानी नर्वस हुई हुई है? हाँ, थोड़ी घबराई हुई है। अच्छा, ये बताते हैं फाइनल क्या हो जाएगा इसमें डिमांड? पैनल आपको उसके लिए कर दूँगा मैं, 32 कर दूंगा। कितने? 32। अगर कोई आपको 25 की ऑफर दे तो कैसा रहेगा, 25 की या 20 की? फिर भाई से मशवरा करना पड़ेगा। भाई से मशवरा? हाँ। वैसे इतने में बात बन जाएगी? 25 तो नहीं होगा, पर थोड़ा सा ऊपर। चलो ठीक है, नाम बता दें अपना, कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर 03131119569। चलें जनाब, लोकेशन ही बता देगा अपने? ये गोरा का पुसान। अच्छा, मुझे ये बताएं कहीं से खरीद के लाए हैं, घर की ब्रीड है? मेरे घर की है। घर की ब्रीड है, यानी इसके पेरेंट्स आपके पास मौजूद होंगे? जी जी। ठीक है, पेरेंट्स दिखा देगा अगर किसी को सेल कराए तो? किसी को सेल कराएं तो कोई मसला नहीं है, मेरी रिहाइश है अपना जीना हॉस्पिटल की बैक साइड पर एरिया ना, वहाँ पे मेरी रिहाइश है, मेरे पास आ जाए, मेरे पास इसकी फादर भी है, मदर भी है। चले ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आगा? सर ये रशियन है, बहुत अच्छे फर में मेल है, ये 23 महीने इसकी एज है। अच्छा, रशियन बिल्कुल प्योर है? जी जी, एकदम प्योर है, माशाल्लाह देख सकते हैं आप। अच्छा, ये बताएं कि क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी आप? यार इसकी 10,000 डिमांड कर रहा हूँ। 10,000 डिमांड कर रहा हूँ। और अभी इसकी उम्र कितनी है? 23 महीने, 23 मंथ। ठीक है, खाने पीने में क्या क्या देते हैं इसको आप? खाने पीने में वही जो हम सब डॉग्स को नॉर्मल डाइट चलाते हैं, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो पंजे वंजे भी खिला रहे हैं इनको साथ। अच्छा, पंजे वंजे भी खिला रहे हैं इसको। तो कितने टाइम खिला देते हैं इसको? सर खाना 2 टाइम ही देते हैं हम सब। खाना 2 टाइम देते हैं। और इसको टहलाने कितनी दफ़ा लेके जाते हैं? टहलाने का ये है कि अगर टाइम हो तो फिर सभी को बारी बारी टहला देते हैं, वरना छत पर खुद ही टहलते रहते हैं।
अच्छा, ट्रेन क्या फैमिली के साथ रखा जा सकता है, परेशान तो नहीं करेगा? बिल्कुल फैमिली के साथ है। ठीक है, ये बताएं वैक्सीनेशन इसकी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन कार्ड दिखा सकते हैं? नहीं कार्ड नहीं है, हम लोग खुद करते हैं। शायद आपके हवाले से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम खुद करते हैं। ठीक है, चले नाम बता दें अपना, कॉन्टैक्ट नंबर? नाम शबाज भट्टी, 03411749034। चले जनाब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कौन सा डॉग है ये? सर काजी। काजी है जी जी। अच्छा प्योर है बिल्कुल? ये बिल्कुल प्योर। अच्छा क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसका सर हमने 2 लगाए हैं, अब जो नसीब होगा ऊपर नीचे करेंगे। कितनी डिमांड? 2 लाख। 2 लाख रुपये बोल रहे हैं आप, जो नसीब होगा वो मिल जाएगा आपको। अच्छा खाने पीने में क्या देते हैं इसको आप? जो खिलाओ। जैसे मिसाल के तौर पर शौक से क्या खाता है? शौक से तो इसको हम लोग जो है ना मुर्गी वगैरह देते हैं उबाल का जो है वो, और इसका क्या नाम है चावल खीमा, समझे ना? इसको दिखाएगा कैमरे की तरफ दिखाएगा। अच्छा खिलाते कितनी दफ़ा इसको दिन में? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा खिलाते? हाँ हाँ, सुबह और शाम। और ये बताएं वैक्सीनेशन इसकी कंप्लीट नहीं? इनको वैक्सीनेशन नहीं होती है, किसी भी चीज़ शिकारी है ये, शिकारी, इनको वैक्सीनेशन नहीं करवाते? इनको नहीं जरूरत। फिर भी अगर किसी को काट ले तो? नहीं, घर में जो रखना है तो वो तो फिर कराओगे ना, फिर मुझे तो अभी इमरजेंसी थी इस वजह से लेकर आया हूँ, वरना अच्छा, तो वैसे आपने शिकारी पर्पस के लिए ट्रेन की आवाज़? हाँ हाँ बिल्कुल। शिकार किस किस चीज़ से करता है ये? हिरन का, खरगोश का, कीदड़ का। आपने से शिकार करवाया? सुअर का? हाँ कराया है भाई। शिकार करता है? हाँ बेहतरीन शिकार ट्रेन है, फुल ट्रेन है। और रेस में भी अभी मीरपुर मीरज के अंदर रेस हुई थी 2 महीने पहले, ये 2 नंबर पे आया था। दूसरे नंबर पे आया था, ठीक है। इसकी उम्र कितनी हो गई? ये अष्टम 9वें में चल रहा है, 9 महीने में। 9 महीने में? अच्छा इसका साइज और मजीद बड़ा हो गया? इसका फुल साइज है? नहीं नहीं अभी तो बड़ा होगा ये, तो अभी बच्चा है। अभी ये बच्चा ये है, साल 1.5 साल में जाके अपना सही कद निकालेगा ये, तो ऊंचा भी होगा और लंबा भी होगा ये। अच्छा इनकी इनका लुक ऐसी होता है या अभी कमजोर हुआ हुआ है? नहीं नहीं, इसको रेस के लिए रखा हुआ है ना, इसको ज्यादा नहीं खिलाते हम लोग। अच्छा रेस के लिए रखा हुआ है? रेस के लिए? हाँ रेस के लिए जो रखते हैं तो उसको ज्यादा नहीं बीट देते ना, क्योंकि ज्यादा देंगे मोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो उसको एक हिसाब से डाइट दी? हाँ एक हिसाब से जो है। ठीक है, तो उसकी डाइट कितनी होगी, अमाउंट बताएगा? पाव खिलाते हैं, आधा पाव खिलाते हैं? नहीं पाव खिला दो आधा किलो, लेकिन आधा किलो हम सुबह को देते हैं, आधा किलो जो है शाम को देते हैं हम लोग इसको, 2 टाइम जो है। अच्छा 2 टाइम देते हैं, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खिलाते हैं? नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, जो उसको रखेगा वो वैक्सीन करवाएगा, और फैमिली के साथ रखने के लिए वैक्सीनेशन इसकी ज़रूरी है? बिल्कुल, ये देखो ना फैमिली वाला बच्चों के साथ खेलता है, हमारी तो बच्चों के साथ खेलता है, लेडीज़ के साथ खेलता है। चलें अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? ये सही अली भट्टी नाम है मेरा, और नंबर है मेरा 03112973234। लास्ट डिमांड बता दें, क्या बोल रहे हैं आप? 31। 31 लास्ट है? लास्ट। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। थैंक यू जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं कौन से पपीज़ लेकर आएँ? ये किंग शेफर्ड है। किंग शेफर्ड है जी। प्योर है या क्रॉस है? ये क्रॉस है। क्रॉस है? अच्छा क्या डिमांड है इनकी? इसकी है 20,000 रुपये दोनों के। 20,000 रुपये दोनों के जी। जर्मन शेफर्ड से क्रॉस है, किंग शेफर्ड पे। अच्छा जर्मन शेफर्ड किंग शेफर्ड से क्रॉस है जी। और जिस जर्मन शेफर्ड से क्रॉस है, क्या वो भी क्रॉस था? वो प्योर था? वो प्योर था, वो प्योर था। अच्छा तो ये बताएं इन पपीज की अभी कितनी एज बता रहे हैं? ये 2-2 महीने के हैं अभी। 2-2 महीने के। खाने पीने में क्या दे रहे हैं इनको? ये डॉग फूड खाते हैं। डॉग फूड खाते हैं, कितने टाइम खिलाते हैं? 2 टाइम खिलाता हूँ। ठीक है, पार्वो की आपने वैक्सीन लगवा ली इनको? पैदाइशी टीके लगाए हैं, पार्वो का नेशन नहीं लगाया, 3 महीने के बाद लगेगा वैक्सीन के साथ। अच्छा डिवॉर्मिंग वगैरह करवा ली? जी करवा ली। ठीक है, ये बताएं कि पपीज फाइनल कितने तक में देंगे? 15,000 में फाइनल दोनों दे दूंगा। ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? जावेद अब्बासी मेरा नाम है, 03402121704, लोकेशन सदर। ठीक है, एक बात मुझे और बताएं, पपीज आप कहीं से खरीद के लेकर आ रहे हैं, घर की ब्रीड है? घर की ब्रीड है, गारो पे मेरा फार्म है, वहाँ पे रखे हुए, तो इसलिए सेल आउट करने आए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं कौन से डॉग लेकर आए हैं? आज ये पुडल का जोड़ा लेके आया हूँ। पुडल का पेयर लेकर आए हैं? ये पुडल का पेयर जो आप लेकर आए हैं, ये प्योर है या क्रॉस है? प्योर है मेरे भाई, बिल्कुल प्योर है। अच्छा तो ये बताएं पेडिग्री डॉग है, नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री। नॉन पेडिग्री। और इनके पेरेंट्स के बारे में बताएं, पेरेंट्स कैसे थे इनके? पेरेंट्स इन्हीं के जैसे थे। इन्हीं के जैसे? वो भी नॉन पेडिग्री थे? नॉन पेडिग्री थे वो। ठीक है, इस पेयर की आप क्या डिमांड कर रहे हैं? इस पेयर की मैं डिमांड कर रहा हूँ 35,000 रुपये। कितने? 35,000। पेयर के आप 35,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, और पेयर की एज कितनी है अभी? साल साल के हैं। साल साल के। खाने पीने में इनको क्या दिया जाता है? ये चिकन बॉयल कर रहे हो खा रहे हैं,
दूध डबल रोटी खा रहे हैं और इनका डॉग फूड आता है वो खा रहे हैं। अच्छा तो कितनी दफ़ा खिलाते हैं इनको दिन में? इनको दिन में दो दफ़ा खिलाते हैं। दिन में दो दफ़ा खिलाते हैं। अच्छा इनको वॉक कितनी दफ़ा करवा लेते हैं दिन में? दिन में तीन से चार दफ़ा वॉक हो जाती है। तीन से चार दफ़ा इनको टहलाते हैं। अच्छा ये भी मुझे बता दीजिएगा आपके इनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है? वैक्सीन कार्ड नहीं है इसका। लेकिन वैक्सीन हुई है, वैक्सीन कार्ड नहीं है। तो ये मुझे बताएं कि रैबिस की भी वैक्सीन लगवा दी आपने? नहीं उसका नहीं पता, मैं फैमिली से उठा के लेके आया था, उसका पता करना भूल गया। इसका नहीं पता आपको? नहीं। ठीक है तो ये बताएं कि अगर कोई लेना चाहेगा पेयर फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल 30,000 रुपये का दे देंगे। 30,000 में देंगे। अच्छा डॉग बीमार तो नहीं है ना? कोई बीमार नहीं है। सेल करने की वजह क्या? सेल करने की वजह हमारा कारोबार है, लेते हैं और सेल आउट कर देते हैं, परचेज और सेल आउट करते रहते हैं। अच्छा आपने परचेज करके सेल आउट करा है, तो कितने का परचेज किया बता सकते हैं आप? परचेज मैंने 25,000 का करा है। 25,000 का आपने परचेज किया और 35 आप डिमांड कर रहे हैं जी, आप कमी पेशी कर लेंगे आप? जी जी। चले ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। 0 मेरा नाम मोहम्मद फाइज है, नंबर 03142562818। चले जनाब बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए हैं मार्केट में? लैब्राडोर लेकर आया हूँ। ठीक है जी, लैब्राडोर लेकर आए हैं। और पेयर लेकर आए हैं? जी पेयर लेकर आया हूँ। मेल फीमेल, तो पेयर की एज कितनी है? ये 2 साल का है, वो 18 मंथ्स की है। अच्छा ये 2 साल का है, वो 18 मंथ्स की है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये प्योर ब्रीड है, क्रॉस है? जी प्योर ब्रीड है। अच्छा इसको कैमरे की तरफ दिखाएगा ज़रा, ये पेडिग्री डॉग है या नॉन पेडिग्री? ये पेडिग्री था, इसके माइक्रोचिप लगी हुई है लेकिन इसके पेपर्स गुम हो गए असल में शिफ्टिंग के दौरान, और बाकी वैक्सीन दोनों की प्रॉपर हुई। ये वाला भी पेडिग्री है? नहीं ये नॉन पेडिग्री। अच्छा फीमेल जो है नॉन पेडिग्री है, मेल पेडिग्री था लेकिन पेडिग्री के डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, तो यानी अब ये नॉन पेडिग्री बन चुका है। नॉन पेडिग्री बन चुका है। अच्छा तो ये बताएं कि इनको खाने पीने में क्या क्या देते हैं? खाने में चिकन देते हैं, कीमा देते हैं और एक टाइम पंजे देते हैं। ठीक है तो कितनी दफ़ा खिलाते हैं दिन में? दो दफ़ा खिलाते हैं। और इनको कितनी दफ़ा वॉक करवाते हैं? दो दफ़ा दिन में वॉक करवाई जाती है। अच्छा ये बताएं कि इनकी वैक्सीनेशन वगैरह तमाम कंप्लीट है? वैक्सीनेशन सब कंप्लीट है, सिर्फ डिवॉर्मिंग होगी। अच्छा रैबिस की भी लगवाई है ना आपने? सब कंप्लीट है। ठीक है तो ये बताएं कि अगर कोई हमारा व्यूअर खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल कर लेंगे, अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कमी पेशी कर लेंगे। ठीक है अपना नाम बता दें मुझे। नाम बिलाल है, 03170898235। ठीक है जनाब बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, व्यूवर्स के साथ कमी पेशी करेगा। अच्छा लास्ट में एक सवाल है, ये भी बता दें कि सेल आउट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह? सेल आउट ये कर रहा हूँ असल में, मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर इसलिए, बाकी मैंने बिल्कुल बचपन में लिए थे, बिल्कुल समझे बच्चों की तरह रखा है, मुझे खुद इतने पसंद नहीं। अच्छा तो आप जा रहे हैं ऐसे सेल आउट करना है? सिर्फ ये। ठीक है चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो व्यूवर्स ठंड को खैर बात कह के मार्केट में कुछ जवान लड़के भी मौजूद है, देख सकते हैं आप लोग के एक जवान सा लड़का हमारे साथ खड़ा हुआ है और बिल्कुल आप देख सकते हैं फुल किटिंग में आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठीक है यार, पिछले हफ्ते तो आप बूढ़े थे, आज जवान हो गए, क्या वजह है? लोग बूढ़े होते हैं, नहीं उम्र गुजरने के साथ लोग बूढ़े होते हैं लेकिन आप बूढ़े होने के बाद वापस जवान हो रहे हैं। वो कुश्ता खा रहा हूँ ना आजकल, असली माल खा रहा हूँ। और सुनाए साकिब भाई क्या लेकर आए? अल्हम्दुलिल्लाह बस ये लेके आए आपके सामने। असल में सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना इंसान को, अल्लाह ताला की दी हुई सेहत है, अल्लाह ताला की अमानत है, उसका ख्याल रखना फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं दूसरों को भी बोलता हूँ कि अपना ख्याल रखा करो। अच्छा ये बहुत से लोग हमें भी बोलते हैं ख्याल रखा करो। असली ये अमेरिकन बुली की फीमेल है, अमेरिकन बुली की फीमेल, दो बार बच्चे दिए इसने, एक बार 12 दिए हैं, एक बार 13 दिए हैं। अच्छा और ये बताएं प्योर है? बिल्कुल बिल्कुल प्योर है, आपके सामने देखें, सेहत देखें, माशाल्लाह हर चीज़ देखें, फेस वेस कलर वलर बहुत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। जेनी नाम है इसका, ये एक साहब को मैंने दी थी 80,000 की ना, तो किसी वजह से उन्होंने यानी सेल करने के लिए दी है मेरे को, बोला आप सेल करवा दो। ठीक है। अच्छा ये पेयर है क्या पूरा? क्या वो पिटबुल फीमेल है? वो भी पिटबुल फीमेल है जी जी। अच्छा बुली है वो पिटबुल है? ये अमेरिकन बुली है, वो अमेरिकन पिटबुल है जी। अच्छा क्या डिमांड है? ये अमेरिकन बुली जो है इसके 60,000 रुपये हैं। ठीक है आपका व्यूअर्स को जाएगा तो 55 करवा दूंगा इंशाल्लाह, 55 में दे दूंगा। और वो 30,000 रुपये मांग रहे हैं उसके, कोई लेने आएगा 25-20 तक भी दे दूंगा इंशाल्लाह। दोनों पेडिग्री के साथ? वो भी फीमेल प्रे, वो यानी कि ब्रीडर है, एक बार बच्चे दिए उसने, 8 बच्चे दिए थे। ठीक है। अच्छा ये बताएं साकिब भाई दोनों पेडिग्री के साथ हैं? नहीं नहीं नॉन पेडिग्री है यार, पेडिग्रीड होते हैं तो ये 2.5-3 लाख की होती कम से कम, और वो तो नॉन पेडिग्री है, तो 9-10 लाख का होता है ये, 2.5। नहीं नहीं वो तो नॉन पेडिग्री है, शक्ल नहीं पता चल रहा उसे। अच्छा ये बताएं खाने, लेकिन है बिल्कुल फ्रेंडली, खाने पीने में हर चीज़ खा रहे हैं माशाल्लाह, जो भी खिला दो। कीमा चावल खा लेते हैं? गर्दने चावल खिला रहा हूँ आजकल। गर्दने चावल? हाँ गर्दने चावल। क्या बात है, कीमा चावल आपने छोड़ दिया, ये महंगाई की वजह? कीमा चावल यार महंगाई की, हर कुत्तों को फिर एक साथ पकाओ, अलग अलग पकाना नहीं पड़ता ना, एक साथ पकाना पड़ता है। छोटे बच्चों को कीमा चावल खिला दो ना तो उनको मोशन लग जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जो इसलिए गर्दने चावल बच्चों को भी खिला दो तो सेट रहते हैं, ख़राब नहीं होता, उससे बीमार नहीं होते। ठीक है। आज ये दो डॉग लेकर आए थे मार्केट में, ये एक लेबराडोर का पप्पी भी है। लेबराडोर का पप्पी निकाल जी। साकिब भाई एसी का बच्चा है क्या?
नहीं नहीं ये लेबर रोड का पप्पी है, ये वही है जो पिछली बार चार थे ना। अच्छा अभी एक बचा, ये एप्पल हेड का बचा देगा माशाल्लाह। चार थे उसमें से एक बचा, ये क्या बात है? एक बचा एक रह गया, नहीं कि बाकी बिक गए, सेल हो गए, सेल आउट होगा। मैं डर गया, मैंने कहा एक चार थे एक बचा है। नहीं नहीं सेल आउट हो गए माशाल्लाह। अच्छा ये बताए क्या डिमांड है पप्पी के? यार ये 20 तक दे दूंगा इंशाल्लाह। 20,000 में देंगे आप? नहीं नहीं 20 तक नहीं, चल हम भूसा निकल गया तो खैर 20 में दे दूंगा, मुझे फाइनल 25 से कम का नहीं है ये। फाइनल 25 से कम का नहीं है, 20 तक में देंगे, दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसकी उम्र कितनी है? ये होगा इसकी 2 दिसंबर की पैदाइश है, 2 दिसंबर की, आज हो गया समझ लो 1.5 महीने होने वाले हैं। 1.5 महीना होने वाला है। अच्छा फाइनल डिमांड बता दें सबके। यार ये 55 में दे दूंगा इंशाल्लाह, ये 20 में दे दूंगा और वो भी 20 में दे दूंगा, फीमेल बड़ी। अच्छा जी ठीक है। और एक हस्की मादी भी, वो भी कोई इंटरेस्टेड हो लेने वाला, वो भी ब्रीडर है, एक बार बच्चे दिए मेरे पास, तो वो 60,000 में दे दूंगा इंशाल्लाह। और कोई साकिब भाई से बात करने में इंटरेस्टेड हो तो टाइम होगा तो बात करेंगे बिल्कुल। असल में मैं कभी कहीं बिजी होता हूँ, कहीं बिजी होता हूँ, लोग फ़ोन करते हैं बेचारे, मैं उठा नहीं पाता, फिर वो इतराज़ करते हैं यार फ़ोन ही नहीं उठाते, आपके बड़े नखरे हैं ये। नखरे की बात नहीं होती यार, हम तो चाहते हैं किसी का फ़ोन आए बात करें, लेकिन ना कहीं बिजी होता तो बंदा नहीं उठा पाता असल में, फिर बाद में रिप्लाई दे देता हूँ, किसी किसी को नहीं दे पाता तो माजरा दे भाई उनके लिए। चले कोई बात नहीं, सबके अपने अपने मसले, बुरा लगे तो हमें। अच्छा आखिर में एक सवाल है आपसे, ये बताइए तीनों अलग अलग दोस्तों ने दिया, एक ही दोस्त ने दिया? ऐसी बात है, अलग अलग ब्रीड है तो अलग अलग दोस्तों ने दिया होंगे। अलग दोस्तों ने दिया। वैसे साकिब भाई आपके काफ़ी दोस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, आप भी हमारे दोस्त हैं। अच्छी बात है। नहीं पहली बार हमारी जो दोस्ती हमारे व्यूअर्स है उसके बाद आपसे। देखें कोई भी कारोबारी बंदा होगा ना तो दोस्ती लाजमी है, दोस्ती होनी चाहिए, हर किसी को भाई दोस्त बनानी चाहिए। बस मैं चाहूँगा कि पहले व्यूअर्स से दोस्ती करके आपसे प्राइस पेड़ देखें माशाल्लाह, फिर आप लोड हुआ है सीरियल खाता है मजे से सुबह शाम एक एक पैकेट। अच्छा बहुत जबरदस्त, पता है सीरियल खाता है, हेल्दी है, इसको पता है सीरियल खाता है, बस इसको तो पता है ये मेरा खाना है, इसको क्या पता सीरियल के ये क्या है, बस ये के खाना है मेरा। साकिब भाई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें जी, 03122912531। इसलिए सिलो सिलो बोल रहा हूँ, एक साहब बोले थे अभी 2 दिन पहले फ़ोन आया था, बोले यार आप बहुत जल्दी बोल दो, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर नोट किया, 03122912531, मोहम्मद साकिब खान, लोकेशन लांडी नंबर 1 कराची। अच्छा साकिब भाई हम आपस में सारे दोस्त नहीं, हम आपस में सारे भाई भाई हैं। जी जी सब बिल्कुल, भाई बिल्कुल, भाई बिल्कुल, हमारे मुसलमान भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, सब भाई ठीक है बिल्कुल। तो जो कॉपरेट हो सके आप करेगा, बेफिक्र करके हमारे व्यूअर्स को देगा। आज तक कोई शिकायत आई है बताइए? नहीं शिकायत नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह जिससे भी दुआ सलाम करते हैं ना दोबारा मिलने की कोशिश करता है कि दोबारा जवान होने की पूरी कोशिश करिए, लेकिन आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो ज़रूरत है ना, 40 साल पूरे हो गए तो उसकी अलामत ही है। चले अच्छी बात है। आज मैंने वो मशीन खरीदी थी तो मैंने मूंछों पे घुमा दी, पूरी मूंछे ही उड़ गई। चले अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? ये लैब्राडोर है, अभी परचेज किया है। अभी परचेज किया आपने, कितने कितने के परचेज किए? ये तो हमको पड़ गए टोटल 3 लिए, जिसमें 80 के पड़ गए हमको, 80,000 के। जी तो सही चीज़ मिल गई आपको? जी बहुत। इसी मार्केट से परचेज किया आपने? जी इसी मार्केट से परचेज किया। देख लिया था आपने, देखे थे डॉग को, चेक किया आपने? जी बिल्कुल चेक कर लिया। ठीक है। अच्छा अब क्या इरादा है कि इनसे ब्रीड लेंगे आप? जी ब्रीड लेंगे, ट्रेन करेंगे। हमारा जो है ना वो काम है, बिजनेस है इसका, चीज़ का हमारा कैनल है अपना बल्दिया टाउन में। आपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, ताकि आप इससे ब्रीडिंग करके इनकम जी एक पैसे कमा सकें? जी ठीक है। और बाकी ये बहुत अच्छे लगे हमको, 80 में बहुत अच्छा जोड़ा भी मिल गया और इसके साथ फीमेल बेबी मिला है। अच्छा तो बहुत अच्छा पड़ेगा। अच्छा आपके इसके साथ एक बेबी भी मिला फीमेल? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। नाम बता देगा? राफिल नाम है। जजाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? भाई मज़े में, आप सुना? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? भाई ये साइबेरियन हस्की लाया हूँ, हैवी बोन का बच्चा है ये। अच्छा इतना बड़ा नहीं है, ये हैवी बोन स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा क्या डिमांड है? ये असल में मेरे एक भाई को मेरे सामने भाई को मैंने इन्होंने मेरे से ही लिया था पहले ना, तो इस तरह का बच्चा मिल जाता है 65,000-70,000 रुपये में, मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये पेडिग्री पेरेंट्स के पेरेंट्स के होते हैं, पर पेडागिरी के अलग से पैसे होते हैं। अब ये इसके माँ बाप हैं पेडागिरी है, अगर कोई कस्टमर ऐसा होता है उनको पेडागिरी चाहिए होते हैं तो उसका अलग खर्चा आता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हमारा कोई व्यूअर परचेज करना चाहेगा कितने तक में देंगे? भाई ये फाइनल 65,000 रुपये में ये बच्चा मिल जाएगा, अच्छा बच्चा। फाइनल 65,000 में देंगे? 50,000 वाले भी बच्चे हैं, 45,000 वाले भी हैं, पर उन बच्चों में इतनी बात नहीं है, ये जो है ये कुछ अलग चीज़ है, अलग ही चीज़ है। अच्छा। देखने वाले को जो शौकीन होगा ना उसको समझ आ जाएगी क्या चीज़ है ये।
अच्छा चले नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? नाम मेरा अहमद है, कॉन्टैक्ट नंबर 03190983929। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, आज जो लालू खेत बर्ड्स मार्केट में जो तीतर वाले बैठे होते हैं वो यहाँ सदर मार्केट में मौजूद है। आइए इनसे मालूम करते हैं यहाँ पर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताएं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, लालू खेत बर्ड्स मार्केट में नहीं गए? आज लालू खेत में नहीं छोड़ रहे थे, पुलिस वाले भगा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। अभी एम्प्रेस मार्केट सदर में आए हैं अभी। अच्छा जी। सबसे पहले तो मुझे दिखा दें कि क्या लेकर आए। मैं एक ये काला तीतर लेकर आया हूँ, तकरीबन है ये 1.5 से 2 साल है। अच्छा अच्छा। कीमत है इसकी? इसकी 15,000 मांग रहा हूँ। और फाइनल डिमांड? ये फाइनल 12.5 में दूंगा। ठीक है जी। इसके अलावा? इसके अलावा मेरे पास एक और तीतर है, एक ये तीतर है ईरानी नर पट्ठा है, तकरीबन 8 से 10 महीने का पट्ठा है, तो ये दूंगा 8,000 रुपये में फाइनल। 8,000 जी जी। समझिए ये फाइनल 7 में दे दूँगा जी। ठीक है। अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 03469096150। ठीक है। आपके आप ये बताने का लालू खेत बर्ड्स मार्केट लगी नहीं है बिल्कुल भी? अभी तक तो नहीं लगी थी, शायद 4 के बाद लग जाए, 4 बजे के बाद लग जाती है, हो सकता है 4 के बाद लग जाए, मुमकिन है ना भी लग जाए। अच्छा जी। चलें, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है जनाब? खैरियत से? ठीक हो? अच्छा, ये तो आज लालू खेत बर्ड्स मार्केट मुतासर हुए थे, यहाँ सदर में आया? ये ज़्यादातर अक्सर मैं सदर में होता हूँ, लेकिन लालू खेत भी चक्कर लगाता हूँ। आज तो आपको पता है पाकिस्तानियों की किस्मत बदलने का दिन है, लेकिन पता नहीं कैसे ही साहब है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे, बस अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं और अल्लाह से ही उम्मीद है हमें। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं क्या लेकर आए? ये सारे मेल है, ये भी मेल है और ये दोनों भी मेल है और वो जोड़र है और वो मैं भी मेल है। अच्छा, क्या डिमांड है इसका? 10,000 डिमांड है जमशेद भाई, आपकी व्यूअर के खातिर 8,000 हो जाएगा। ये प्योर जो है ना, ये सिटी पटाख है, सिटी पे बोलते हैं, ये आपके सामने आपको चेक करवाऊँगा। मेरा गला थोड़ा रुक गया, वरना ये पूरा प्योर सिटी पटाख, ये आपकी चैनल के तवसत से 8,000 रुपये का हो जाएगा। ये जो बड़ा है इसका 6,000 रुपये डिमांड है, आपके व्यूअर के खातिर 5,500 हो जाएगा। इसका 5,000 डिमांड है, आपके व्यूअर के खातिर 4,500 रुपये हो जाएगा। इस जोड़े का 15,000 रुपये में डिमांड मांग रहा हूँ, लेकिन आपके व्यूअर के खातिर 13,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा, ब्रीडर है? ब्रीडर जोड़ा है, कन्फर्म लगा हुआ जोड़ा है। ठीक है। और वो मेल है, बिग साइज़ वाला है, इसका 9,000 रुपये डिमांड है, आपकी व्यूअर के खातिर 8,000 रुपये हो जाएगा, बहुत बड़ा नर है। अच्छा, इन सारे तीतरों ने आपसे सीटियाँ बजवा के आपका गला खुशक करवा दिया, गला बैठा दिया, क्या करे? बस मजदूरी भी और आवाम भी इसी तरह। गले की दवाई लिया आपने? गले की गोली मेरे पास पड़ी हुई। चलो, अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह। कोई सीटी ले लें ताकि उससे आप सीटी कन्फर्म जो है ना, ये मुँह की सीटी से सही बचता है। अच्छा जी। चले, नंबर बता दें, नाम बता दें। नंबर मेरा अकील नाम है मेरा, और नंबर मेरा 0300 है 2068323, कालापुल डिफेंस बिजवन पे मेरा रिहाइश है। और आखिर में मेरा एक पैगाम है आपकी व्यूअर को कि ये वीडियो पूरा देखे और लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, खुश रखे आपको। इसके अलावा व्यूअर्स, आप लोग को बता दूं कि लालू खेत बर्ड्स मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा मुतासर है, एक तो इलेक्शन की वजह है और दूसरी वजह है कि कल रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, 8 डिग्री टेम्परेचर गया था, तो बहुत सारे सेलर अभी तक अपने अपने लिहाफों से बाहर निकले नहीं है, अभी तक मौसम उन्होंने देखा नहीं कैसा, जबकि अभी दोपहर का टाइम है इस वक्त, तकरीबन 2:42 हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है मौसम में काफ़ी बेहतरी है, हवा चलना बंद हो गई है और धूप निकली हुई है, तो काफ़ी बेहतर मौसम है, लेकिन रात को फिर वही ठंड हो जाएगी, तो ये मौसम की कंडीशन है कराची के। तो आपको लालू खेत बर्ड्स मार्केट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, तो ये थी सदर सेंटर डॉग मार्केट की अपडेट। यहाँ पर आज मार्केट बहुत ज़्यादा कम लगी थी, डॉग भी हमें चंद नज़र आया, अच्छी ब्रीड बहुत कम आई थी मार्केट में, लेकिन जो भी ब्रीड थी वो आपके साथ शेयर करी। आज एक हस्की का पपी आपके साथ शेयर करा और इसके अलावा लैब्राडोर मार्केट में आए हुए थे, जर्मन शेफर्ड की तादाद बहुत कम थी, एक पिटबुल की आपको ब्रीड दिखाई, बुली की ब्रीड दिखाई, एक पग आया हुआ था, तो ये सारी ब्रीड मौजूद थी मार्केट के अंदर जो आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि सदर संडे डॉग मार्केट की प्राइस से आप लोग अपडेट होंगे, इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे, आप लोग को अपडेट करते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।